आगे जनपद पंचायत के सीओ लापरवाही ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। मैं जनपद पंचायत सीओ सैंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। मेरे पास कई तरह की शिकायतें आई है। जो माइनिंग अफसर है बैतूल जिले का, उसको भी मैं सस्पेंड कर रहा हूं। बैतूल जिला अस्पताल के CMHO उसके बारे में, उसको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। बिजली की समस्या के लिए दो लोग जवाबदार हैं, एक पवन बारस्कर JEMP EB चीचली और दूसरा है JEE साईं खेड़ा। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूं। शिक्षक को रोजगार रहना चाहिए यही से, और इसका कमरा भी बना दिया, इसको सस्पेंड करो। तो मैंने गुस्से में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड कर दिया, SDO सस्पेंड कर दिया, JEE सब सस्पेंड कर दिया। देखो भैया, अच्छा काम करने वाले कर्मचारी को पुरस्कृत करेंगे और गड़बड़ करने वाले को नौकरी करने के लायक नहीं रहने देंगे। सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड, निलंबित 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 की आवाज़ें इन दिनों मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों के कानों में गूंज रही हैं। रात के जब नींद में सोते हैं सो उनको डर लगत के कहूँ मम्मा भुंसारे आके उनको सस्पेंड ना कर देवें, काहे के मम्मा को हेलीकॉप्टर जिते देखो होते ही उड़ रहो है और ताबड़तोड़ तरीके से निलंबन की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और मामा शिवराज सिंह चौहान को जो रूप भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नायक को रूप बता रहे हैं, यानी अनिल कपूर की बहुचर्चित फिल्म नायक जी में खड़े खड़े ऑन द स्पॉट अनिल कपूर जो कछु दिना के लाने मुख्यमंत्री बने थे अपने प्रदेश के, वे तत्काल प्रभाव से लोगन को सस्पेंड कर रहे थे। शिक्षक को रोजगार रहना चाहिए यही से, और उसका कमरा भी बना के इसको सस्पेंड करो। कमलेश कुमार, दोपहर का खाना खाया कि नहीं? सुबह में और उसमें अभी दोपहर का नहीं बना होगा आटा, तो शाम को। अब मामा शिवराज सिंह चौहान को जो ताबड़तोड़ रूप केवल सस्पेंशन तक नहीं है बल्कि कानूनों को लेके भी है और कई तरीके के जो विषय हैं वे मामा शिवराज सिंह चौहान उठा रहे हैं, चाहे वे लव जिहाद के हों, चाहे बहु विवाह के हों, यानी कई सारे विवाह एक व्यक्ति करत उनके हों, और इन सारे मुद्दों को शिवराज सिंह चौहान उठा रहे हैं। कई दूसरे धर्म वाले अगर आदिवासी की जमीन वैसे नहीं खरीद सकते तो आदिवासी बेटी से शादी करके उसके नाम पर जमीन खरीदवा दें, ये पाप है। बोलो पाप है कि नहीं है? सब बोलो है कि नहीं पाप? ये पाप है, ये लव नहीं है, ये लव के नाम पर जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। और उसमें आपका साथ चाहिए, बोलिए मिलेगा क्या? आप आज जोर से बोलो पीछे तक, मिलेगा क्या? आप मिलके एक हो जाओ छल से बल से। अरे हमारा समाज, हमारे लोग, कोई भी छल ले हमारे बच्चों को शादी करने और 35 टुकड़ा कर दे, क्या हम सहन करेंगे? बताओ, जोर से बताओ, सहन करेंगे क्या? हम सहन नहीं करेंगे। तारीख बताओ मुझे कब होगा? 30 तारीख को करेगा पक्का? पक्का सर। एजेंसी ठीक काम कर रही है सर? बिल्कुल। गुणवत्ता देख रहे हो? जी सर बिल्कुल। मैं डेली 5 फोटो मंगवाता हूँ। 5 जनवरी लिफ्ट इरीगेशन चालू करूंगा, ये फुल काम, और नहीं हुआ तो फिर ठेकेदार भी समझ लिया और आप भी। अब बड़ो सवाल जो ही है कि शिवराज सिंह चौहान आखिर ये सारे विषय काय उठा रहे हैं, काय के मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा को चुनाव है और इस चुनाव में अपने विकास के कामों को ले जावे के संगे संगे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ प्रशासन और हिंदुत्ववादी छवि को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। काय के 2018 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दा पर गई थी और इस मुद्दा पर याद में पूरी तरीके से उनको सफलता नहीं मिल पाई थी, बहुमत से रहे दूर। सो अब विकास के काम एक दूसरों अच्छे बेहतर प्रशासक की छवि जो जनता के हितों के लाने तत्काल कार्रवाई करने को तैयार है, और तीसरी हिंदुत्व की छवि, इन तीन ही अनको इकट्ठो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में करे और मामा
ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के संग अब तेज तर्रार मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी छवि गढ़ रहे हैं और अब तक जनता उनकी छवि पसंद कर रही है। आगे कछु और समय है, देखत जाओ काय के अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है। धर्म, इतिहास और प्रकृति के अनुपम संगम रामराजा सरकार की नगरी ओरछा धाम में स्कूल ट्रिप, कॉलेज ट्रिप के लिए शानदार स्थान बुंदेली फार्म रिजॉर्ट, जहां आपको मिलेगा सर्व सुविधा युक्त एसी आवास एवं कमरे, स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन, पूल पार्टी, ओरछा पुरातत्व स्मारक भ्रमण, श्री रामराजा सरकार दर्शन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद स्मारक भ्रमण, रात्रि कालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता। अधिक जानकारी हेतु संपर्क 9302321181 बुंदेली फार्म रिजॉर्ट ओरछा।